अभी तक आपने कुछ कॉमन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक पढ़े हैं, अब हम आपको 2 से लेके 11 तक के मोस्टली सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक बताएंगे। सीव ऑफ इराथोजीन्स, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज न्यू फॉर यू, पर वो हम डिविजिबिलिटी के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। याद है क्या कर रहे थे हम लोग? नंबर्स से प्ले कर रहे थे, नंबर्स का खेल खेल रहे थे। मैम ने 6 मैग्नेट्स लिए थे, उसके अरेंजमेंट्स देखे थे, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए थे। फिर मैम ने आपको कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल सब रिवाइज कराए थे, प्राइम नंबर्स, सारे टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बताए थे। अब आज फिर नंबर्स से खेलेंगे, नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है सीव ऑफ इराथोजीन्स, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज न्यू फॉर यू, पर वो हम डिविजिबिलिटी के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। पहले आपको हर नंबर का डिविजिबिलिटी चेक आना चाहिए। अभी तक आपने कुछ कॉमन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक पढ़े हैं, 2, 3, 5, 10 ऐसे करके। अब हम आपको 2 से लेके 11 तक के मोस्टली सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक बताएंगे। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी चेक का एक क्विक रिवीजन, ठीक है। चल नाउ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी मतलब कोई भी नंबर जिस नंबर्स को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं कहूं क्या 48 डिविजिबल बाय 2 है, divisible by 2, तो ये divisible by 2 मतलब 48 को 2 completely divide कर पाए। 2 2's are 4, ठीक है, 4's are 8 minus 0, मतलब remainder जो है हमारा वो क्या है, 0, ठीक है। ये होता है question, ये dividend, ये divisor, ठीक है। तो जब हमारा डिविडेंड डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, तब क्या होता है, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें यही डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि नंबर का रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद नंबर का रिमाइंडर जीरो आए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब उसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो 2 से डिविजिबल हो, लास्ट वाली डिजिट, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 3042428, लास्ट डिजिट क्या है 8, ये 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना मजेदार। चलिए आप देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसको आपको क्या करना होगा। सपोज कीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 754206, आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। आप क्या करेंगे, 7 + 5 + 4 + 2 + 0 + 6 कर दो, जरा सारी डिजिट्स को ऐड कर दो। 7 + 5 क्या होता है 12, 12 + 4 क्या होगा 16, 18, 18 + 6 क्या होता है 24, तो 24 क्या 3 की टेबल में आता है, यस, 3 8s are 24, 3 7s are 21, 3 8s are 24, तो 24 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। 2 का क्या था, लास्ट डिजिट, 3 में सारे डिजिट्स का सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो डिविजिबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी देखिए क्या है। 4 के डिविजिबिलिटी में सपोज कीजिए आपको एक नंबर दिया है 350736, तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। क्यों हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे हैं कि विद इन सेकंड आप बता दें यस मैम ये नंबर डिविजिबल है, और नहीं होगा तो नो मैम दिस इज नॉट डिविजिबल। तो 4 में
टू में आप लास्ट वाली डिजिट देख रहे थे, फोर में लास्ट की टू डिजिट्स, ये टू डिजिट्स अगर फोर से डिवाइड हो रही हैं, यस, फोर नाइन जा 36 होता है, तो ये दो डिजिट डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि 2, 3, 4 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है और आपको आ भी गई है। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। फाइव का डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं देखना है, बस कोई भी नंबर है 5, 9, 0, 8, 5, 0, अगर नंबर के एंड में 0 आता है या फिर 5 आता है, अगर होता 7, 9, 5, 0, 8, 5, अगर नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। Isn't it easy? बहुत इजी है 5 का तो, ठीक है, क्योंकि 5 की टेबल में आप देखिए 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 alternate 5 0 आ रहा है 5 की टेबल में, तो कोई भी नंबर जिसमें एंड में 0 हो या 5 हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। आप देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है 6 का डिविजिबिलिटी। 6 का डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। 6 क्या होता है, 6 कैसे आएगा, 2 3s are 6 या 3 2s are 6, 6 1s are 6, 1s are 6 भी आता है, ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए 6 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर आपको एक नंबर दिया है 5 3 0 2 2, इस नंबर को आपको पहले 2 से चेक करना है, 2 से डिवाइड होगा, यस, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर 3 से चेक करना है, 2 3s are 6, ठीक है, 2 से चेक कर लिया, यस इट इज डिविजिबल। 3 से कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर्स को जोड़ दो, 5 + 3 8 10 12, 12 डिविजिबल है 3 से, 3 4s are 12, यस ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, समझ गए। 6 की डिविजिबिलिटी में पहले आपको 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है, अगर नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा, क्लियर है। चलो आप देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी। 7 का आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये सब आपने अभी तक पढ़ रखे थे, इट वॉज क्विक रिविजन, आपने शायद रिवाइज कर लिए। नाउ लेट अस सी कि 7 का डिविजिबिलिटी कैसे होगा। 7 के डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, देखो एक बहुत बड़ा सा नंबर ये नंबर है, इसको आपको 7 से चेक करना है डिवाइड होगा या नहीं, आप डिवाइड करेंगे बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है, राइट साइड से 3 3 के ऑल्टरनेट पेयर्स बना लो, ठीक है। पहले क्या हुआ, 272 + 532 क्या आएगा, 4 0 का 1 यहाँ आया, 804, ठीक है। फिर ये वाले ऑल्टरनेट पेयर, अब आप कहेंगे मैम क्या 3 नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट में जितना बचे अगर 1 भी होता तो हम ऐड करते, ठीक है। 911 + 47 859, अब ये जो दोनों नंबर्स आए इनका डिफरेंस 958 - 804, देखो क्या आएगा, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 0 गया 5 एंड 9 में से 8 गया 1, 154। अब इस 154 को आपको चेक करना है कि ये 7 से, अब ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, इसको तो विद इन सेकंड्स आप देख लेंगे, 7 2s are 14, माइनस किया 1 आया, 7 2s are 14, यस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ये 154, 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। आई होप आप समझ गए, 3 3 के ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड करोगे, फिर ये वाले में अगर 1 बच रहा है या 2 बच रहे हैं वो एज इट इज ऐड कर दोगे, और जो हाईएस्ट में से लोएस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया वो 7 से डिविजिबल है, तो पूरा बड़ा सा नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए बताइएगा, वैसे आएगी नहीं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 8 9 10 11 की डिविजिबिलिटी। नाउ देखिए डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 इज वेरी इजी, क्या है इसमें, 7 8 2 4 8, एक नंबर है अगर उसके लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। नाउ देखिए 2 4 8 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, 8 3s are 24, माइनस किया 0, 8 1s are
तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. क्लियर है? 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है. नाउ 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल से सिमिलर है. क्या है 9 की डिविजिबिलिटी में, 6, 7, 3, 2, 0, 1, 8. अगर कोई नंबर दिया है इसमें आप क्या करेंगे, 3 में क्या कर रहे थे, सारी डिजिट्स का सम करेंगे. कर लो सारी डिजिट्स का सम. 6 plus 7, 13, 13 plus 3, 16, 18, 19, 19 plus 8 क्या होता है, 27. ठीक है, 27 3 से divisible है, yes. 9 3 so 27 9 से divisible है, yes. 9 3 is 27. ये 27 divisible है तो ये पूरा number भी divisible हुआ. तो 3 और 9 की divisibility same हो गई. सारे digits का sum अगर 3 से divisible था तो वो number, अगर सारे digits का sum 9 से divisible है तो वो number भी divisible है. Clear? Clear. चलो अब 10 का divisibility. 10 का divisibility बहुत ही आसान है. 10 की divisibility भी क्या है, कोई भी number है 8, 5, 8, 9, 0, किसी भी number में अगर last digit हमारी, unit digit हमारी 0 है तो पूरा number divisible by 0 होगा. क्यों? क्योंकि 10 के table में आप देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सारी last digit में क्या है 0, तो पूरा number divisible by 0 होगा. Clear? Clear. चल आप देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी. 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी देखिए, 573, 573, 243. आप क्या करेंगे इसमें, ऑल्टरनेट नंबर्स देखिए, ऑल्टरनेट 7 plus 2 plus 3. ठीक है, फिर ये वाले ऑल्टरनेट नंबर्स देखिए, 5 plus 3 plus 4. ठीक है, 7 plus 2 9, 10, 11, 12. 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 minus 12 क्या आया 0. अगर alternate numbers को add करना और फिर उनका difference निकालने पर 0 आए, या फिर कोई ऐसा number आए जो 11 से divisible है, suppose कीजिए 11 आता, 22 आता, 44 आता, जो 11 से divide हो रहा है, तो पूरा number completely divide होता है 11 से. I hope आप समझ गए हैं. 2 से लेके 11 तक सारे numbers की divisibility बहुत आसान है. It was just a quick revision. 7 की divisibility I think new थी and 11 की I think new थी. बाकी सब आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए आप देखेंगे बहुत ही interesting topic, sea of irathusians. Now sea of irathusians, what is sieve? Sieve क्या होता है? Sieve है एक ये छन्नी. ये देखिए आपने इसमें ये छेद होते हैं राउंड राउंड जो आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं छलनी. इससे चीजें आप छानते हैं, आटा छानते हैं, दाल चावल जो भी आपको टू चीज को सेपरेट करना होता है तो आप ये यूज कर लेते हैं सीव. नाउ इराथोसीन्स वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इन 274 बीसी टू 194 बीसी ही गेव अ मेथड टू सीव प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स को छानना था, प्राइम नंबर्स को छाटना था. अब वो क्या मेथड है, सीव मेथड. चलिए देखते हैं क्या है वो सीव मेथड. ठीक, हमने 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं, उनको सेपरेट आउट करना है. क्या सीव मेथड क्या था, छलनी क्या, कैसे छाटते थे वो. सबसे पहले तो 1, ये ना तो प्राइम होता है नॉर कंपोजिट है, इसको हमने रेक्टेंगल कर दिया. 1 तो कोई मतलब नहीं. ठीक है, नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले मैंने बताया था लास्ट पार्ट 1 में कि ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो. ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है दैट इज 2. 2 को आप सर्कल कर देंगे और 2 के जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं 100 तक उनको क्रॉस कर दो. 2 के मल्टीपल्स, अभी मैंने 2 का डिविजिबिलिटी भी बताया है. ठीक है, वो यहाँ पर यूज कीजिए और 2 के सारे जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर, वो कट कर दीजिए. ठीक है, 2 के सारे मल्टीपल्स आप धग 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 काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो. 2 के मल्टीपल्स कैसे पता चलेंगे, 2 से डिविजिबल है कैसे पता चलेगा, जब उसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही हो तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है. देखो मैंने कर दिए सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल थे. नेक्स्ट इज अनसर्कल्ड अनकट नंबर. 3 कट नहीं हुआ था, 3 को सर्कल किया और जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनको
काट दिया, कुछ नंबर्स आप देखेंगे पहले से कटे हुए हैं क्योंकि वो 2 से भी कट रहे थे, ठीक है, 18 भी कट गया, 3, 3, 3, 9, 27 ये हो गया, फिर 39 हो गया, फिर 45 हो गया, थ्री का डिविजिबिलिटी क्या है, ऐड करो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यस, नाउ देखिए ऐसे कर करके आपने जो नंबर्स कट नहीं हो रहे थे वो सर्कल कर दिए और जो जिसके डिविजिबल हो रहे थे उनको क्रॉस कर लिया, पर जो इराथोसीज थे वो क्या कर रहे थे, पेपर में जो नंबर काटने की जगह उसमें होल कर दे रहे थे, होल कर दे रहे थे। अब आप सोचिए एक पेपर में होल होगा जगह जगह तो वो इस सीव की तरह दिखेगा, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सीव मेथड, कि पेपर में जब उन्होंने जो नंबर कट रहे थे उसकी जगह होल कर दिया, अब एक पेपर में जब जगह जगह होल होगा तो वो इस सीव की तरह दिखेगा, इस छलनी की तरह जगह जगह होल है, सो दिस इज नोन एज सीव ऑफ इराथोसीज, जिसमें सीव मतलब उन्होंने छाट लिए प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या वन से, आपको पता है आपने छाट लिया। नाउ आप देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट, सो टुडेज अमेजिंग फैक्ट इज ओनली 2 कंट्रीज यूज पर्पल कलर इन देयर नेशनल फ्लैग, किन 2 कंट्रीज के नेशनल फ्लैग में पर्पल कलर होता है, निकारागुआ एंड डोमिनिसिया आर द 2 कंट्रीज विच हैव पर्पल कलर इन देयर नेशनल फ्लैग। कितना सुंदर लगता होगा नेशनल फ्लैग, देखिएगा आप तो सर्च करके, इजंट इट अमेजिंग। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू नीव कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सी ऑफ प्रोफेसीज एंड एन अमेजिंग फ्लैग। Keep watching my series and stay tuned for part 3. Goodbye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Goodbye. Happy learning.